अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं फ्रूट चाट। अब फ्रूट चाट में जितने मेरे पास फ्रूट अवेलेबल थे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास अमरूद है जिसके बीज मैंने निकाल के इसे इस तरह चकोर काट लिया है। ये स्ट्रॉबेरी है, ये एप्पल है, ये केला है, ये कीवी है, और ये स्वीट कॉर्न है, ये आलू है, ये चेरी है। बना रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट। और क्रीमी फ्रूट चाट के लिए सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको, मिल्क पैक की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। 3 चम्मच चीनी के इसमें डाल के इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ। थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, 1/4 से भी बिल्कुल कम, इससे थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है, इसलिए नमक हम शामिल करते हैं। ब्लैक पेपर बिल्कुल 1/4 के बराबर भी नहीं है। चाट मसाला है, ये मैं 1/4 के बराबर इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे निकाल देती हूँ क्योंकि मैंने क्रीम बहुत अच्छे तरीके से बीट कर ली है। आलू शामिल कर रही हूँ इसमें, ये स्वीट कॉर्न है, ये अमरूद है, ये केले हैं, सब इसमें शामिल कर दूंगी मैं। अच्छा, सेब जो है मैंने छिलकों के साथ लिए हैं, आप वॉश करके और उन्हें छिलकों समेत काट लीजिएगा, इससे थोड़ा सा बहुत प्यारा लुक आता है अपना फ्रूट चाट का, बहुत मज़े का आता है। अब जो है मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, ये क्रीमी फ्रूट चाट है। ये देखें हमारा क्रीमी फ्रूट चाट है वो तैयार है। जितने मैंने मसाले इसमें, 3 चम्मच मैंने अपना चीनी के डाले थे, 1/4 के बराबर मैंने चाट मसाला डाला था, 1/4 से कम बिल्कुल मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, और 1/4 से भी बिल्कुल कम मैंने नमक शामिल किया था। और बहुत मज़े की बनी है, मैंने चखी थी कि इसमें मतलब कोई ज़्यादा वो तो नहीं है, मगर नहीं, बिल्कुल बराबर है। और ये जो चेरी है ये मैंने इसके ऊपर लगा दी है। आप इसको सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट आपके पास है आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पहले आप क्रीम को बीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें फ्रूट डाल दीजिएगा और उसमें मसाले डाल के चख लीजिएगा। अगर आपको वो बिल्कुल पूरा बराबर लग रहा फिर आप उसमें फ्रूट शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, तो अपना जो भी उस वक्त सीजन के हिसाब से आपके पास है। फ्रूट टेन अगर आप डालना चाहते हैं वो भी फ्रूट है, वो अगर आप शामिल करना चाहते हैं आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अगर ये वाली आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।